नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना की कमान को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल हैं। दशहरा रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करेंगे, शिंदे गुट ने ये बातें रख दी हैं। लेकिन शिवाजी पार्क में अगर उद्धव ठाकरे की रैली होती है और दशहरा रैली यहाँ पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शिंदे गुट की होती है तो सबसे ज़्यादा समर्थकों की भीड़ कहाँ होगी, आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर सुनवाई के मामले पर कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है शिवसेना के नए मालिक को लेकर। क्या उद्धव ठाकरे के पास ही शिवसेना के कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो बने रहेंगे। इससे पहले हम आपको यहां पर तमाम जानकारी भी देते हैं, लेकिन एक खास जो हमने कल यहां पर इंटरव्यू किया था, यहां पर कह सकते जो बाइट ली थी हमारे तमाम सहयोगी से राकेश सर की, उसमें यहां पर बयान जोड़ना चाहेंगे, वो आपको आगे सुनाते हैं। लेकिन पहले हरीश सालवे और कपिल सिब्बल के बीच कैसे जुगलबंदी दलीलें पक्ष रखे गए थे कोर्ट के सामने। 5 जज इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं और 5 जजों को लेकर भी खुलासा करते हैं। और यहां पर आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहां पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले को, दोनों यहां पर उद्धव और शिंदे की नजरें बारीकी से हैं। किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी, महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हरीश सालवे ने रखा शिंदे गुट का पक्ष। कपिल सिब्बल का भी जवाब जान लेते हैं, उन्होंने क्या यहां पर बयानबाजी करी थी। दरअसल शिंदे सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सभी पक्षों ने मामले से जुड़े कानूनी सवालों का संकलन जमा करवा दिया। इसके जवाब में राज्यपाल के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं अभी जमा करवा रहा हूं। उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2/3 अधिक विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होगा, नई पार्टी बनानी होगी। वह यह नहीं कह सकते कि वह मूल पार्टी हैं। सीजेआई ने सिब्बल के सवाल के जवाब में कहा कि मतलब आप यह कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में। अब सीजेआई का रोल यहीं पर खत्म हो चुका है क्योंकि सीजेआई ने अपने जो मामले हैं 5 जजों को सौंप दिए हैं। अब 5 जज इस मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं। सीजेआई मामले तक कपिल सिब्बल ने खुलकर बातें रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना व्यूप नियुक्त कर दिया था, डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, ये सारी बातें रखी गई थी। और साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा था कि जब संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। अगर इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। ये कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने 10वें अनुच्छेद के दल बदल विरोधी प्रावधान के तहत बातें रखी थी। अब हरीश सालवे ने क्या बातें रखी थी। दरअसल वही शिंदे गुट के वकील हरीश सालवे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन है वे कैसे बना रह सकता है। शिवसेना के अंदर ही कई बदलाव हो चुके हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर किस तरह से पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो विधायक चुनने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था। चुनाव आयोग तय करता है कि इसे विधायकों की अयोग्यता से जोड़ना सही है कि नहीं। 20 जुलाई को सुनवाई हुई थी, फिर 3 अगस्त को सुनवाई हुई, फिर लगातार ये सुनवाई चलती चली गई और फिर उसके बाद जब यहाँ पर 23 अगस्त तक मामला पहुँचा, फिर यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 27 सितंबर को सुनवाई होगी। और यहाँ पर 5 जजों के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है, ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकता है। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी। कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में भेजा गया ये मामला। 5 जजों को लेकर यहाँ पर खुलासा कि किस तरीके से संवैधानिक बेंच ट्रांसफर कर दिया गया है मामला। और साथ ही साथ 5 जज इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। शिंदे ने अयोग्यता के आरोप को बताया था गलत, लेकिन अब यह इनके बताने से गलत नहीं होगा, कानूनी दस्तावेज के आधार पर गलत होगा। इस बीच यहां पर हम आपको जो कल हमने आपको वैसे अपने खास प्रोग्राम के जरिए डिबेट के जरिए ही दिन के 3 बजे जो हमारा खास प्रोग्राम अपलोड होता है हर रोज, उस समय हमने आपको सुनवाया था, लेकिन अब आपको बताते हैं फिर से वही बातें जिससे आपके लिए और राजनीतिक समीकरण आसान हो जाए। तो आप ये पहले जो राकेश सर ने बातें कही थी कल, जो हमने यहां पर तमाम जानकारियां बटोरने की कोशिश करी थी शिवसेना मामले की, आप वो सुनिए ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। देखिए दीपक जी, जो आपने जिक्र किया कि 2/3 बहुमत, 2/3 विधायक शिंदे के साथ हैं और इसको लेकर संविधान पीठ अपना सुनवाई भी कर रही है, इसमें एक चीज़ है कि देखिए संवैधानिक पीठ का अगर आप पहले के मसले देखेंगे जो इसी क्रम में उन्होंने बातें कही हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती है। जब आप एक पार्टी गठित करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के पास आपका गठन होता है। तो आपका एक बात एकदम ठीक है कि जो शिंदे गुट का कहना है कि हमारे साथ 2/3 बहुमत है तो हमारे पास दल बदल कानून नहीं लगेगा, ये एकदम ठीक है। लेकिन पार्टी पर हक जताना, पार्टी पर हक आप तभी जता सकते हैं, देखिए पार्टी विधायकों से नहीं बनती, पार्टी एक संगठन है और पार्टी संगठन में मौजूद लोगों से बनती है। अब देखिए पार्टी के अंदर कोषाध्यक्ष या पार्टी के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है, पार्टी के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं,
उनका बहुमत किस तरफ है। इलेक्शन कमीशन ने यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी और सुप्रीम कोर्ट भी हाल में यही देखेगा संविधान पीठ कि पार्टी के जो अधिकतर पदाधिकारी हैं वो किस तरफ है। जो पार्टी रजिस्टर्ड होती है स्टेट लेवल पर, जो अधिनियम है रजिस्ट्रेशन के, और जब आप पार्टी पे अपना हक जताते हैं तो ये देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी, सांसद या विधायक नहीं, अधिकतर पदाधिकारी किस तरफ है। सांसद और विधायक एक भाग है लेकिन एक भाग पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी है। जैसे इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे रामविलास पासवान की LJP जब अलग हुई तो आप देखेंगे कि पशुपतिनाथ पारस के साथ जो ओरिजिनल LJP थी जिसका गठन रामविलास पासवान ने किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पशुपतिनाथ पारस के पास रहने दिया। और उसके बाद जो चिराग पासवान है उन्होंने लोजपा रामविलास का गठन किया, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या था कि सांसद तो पशुपति पारस के साथ थे लेकिन संगठन के अधिकतर लोग भी जो LJP जिसपे पशुपति पारस ने अपना दावा किया था वो उनके साथ थे। तो अंतिम फैसला यही हुआ कि जो ओरिजिनल LJP है वो पशुपति पारस के साथ चली जाएगी। और यहाँ पे भी आप देखिए संविधान पीठ इसको जरूर मद्देनजर देखेगा कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी किस तरफ है, सांसद किस तरफ है, विधायक किस तरफ है, उसी को पार्टी का हक दिया जाएगा। सिर्फ विधायकों के दम पर, सांसदों के दम पर आप ये नहीं दावा ठोक सकते। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट को भी इस मसले के बारे में पता है कि आज जो विधायक शिंदे गुट के साथ हैं वो कल को शिवसेना के साथ वापस जा सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आप बोल सकते हैं। तो लोकतांत्रिक जो पार्टी का जो ट्रांसफरेबल होता है वो पार्टी के पदाधिकारियों पे होगा कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी किस तरह। विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर आपकी क्या राय है? 16 विधायकों के अयोग्य होने की बात कही गई थी, उनका कहा गया था कि इस्तीफा कर देना चाहिए या फिर उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि वो कानूनी बैठकों में नहीं आए थे, वो बगावत कर रहे थे, गुवाहाटी गए हुए थे, गोवा गए हुए थे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो पार्टी के 16 विधायकों को उन्होंने बोला है कि असंवैधानिक करार देते हुए उनका जो विधायकी है वो रद्द कर देनी चाहिए, असेंबली मेंबरशिप, देखिए इसमें भी एक पेच है। इसमें पेच क्या है कि जब आपके चीफ व्हिप हैं, मुख्य सचेतक, उन्होंने उनका जो पत्र है, ये सारा जो मसला हुआ मुंबई से गुवाहाटी पहुंचना गुजरात होते हुए उससे पहले का नहीं है। जो वीप ऑर्डर जारी हुआ वो वीप ऑर्डर इस पूरे प्रकरण से पहले का नहीं है। आपके 2/3 विधायक जा चुके थे, उसके बाद आपने विधानसभा के अंदर वीप जारी किया, उस वीप का कोई मतलब नहीं है। अगर वो वीप आपके विधानसभा में बैठने से पहले जारी हो गया होता तब उस वीप का मतलब है। आपके 2/3 बहुमत जा चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको विधानसभा पटल पर भेजा कि वहाँ पर बहुमत परीक्षण कीजिए, तो उस वीप के मायने नहीं है बहुत ज़्यादा। और अगर उस वीप पर क्या फैसला होगा संविधान पीठ इस पर देखेगी, लेकिन जो भूतकाल में ऐसे जितने भी मसले आए उस पर इस तरीके की बर्खास्तगी का हमें कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से काफ़ी कुछ सबूत जुटाने में लगे हुए हैं कि कहीं कुछ ऐसी कड़ी जुड़े कि जिससे पता लगे कि शिंदे या उद्धव किसके पास शिवसेना कमान जा रही है। राकेश सर ने भी बहुत सारी बातें साफ करी और वहां पर उन्होंने साफ बताया कि क्या कुछ मसला आगे जा सकता है, इतनी आसानी से फैसला नहीं आ सकता। शिंदे गुट के एक विधायक ने यही बात कही थी कि जो मामले की सुनवाई चल रही है उस पर इतनी आसानी से फैसला नहीं आ सकता और 3-4 साल भी लग सकते हैं, लंबी कार्यवाही हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग को अपना काम करने दिया जाए ताकि सिंबल को लेकर बातें साफ हो जाए कि शिंदे या उद्धव किसके पक्ष में सिंबल जा रहा है। लेकिन जाते जाते इस खास प्रोग्राम में आपसे एक सवाल रखते हैं कि शिंदे या उद्धव किसके पास जानी चाहिए शिवसेना की कमान, अपनी राय खुलकर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया था, वहां पर उद्धव ठाकरे के कमेंट्स की लाइन लगी हुई थी कि उद्धव के पास जाना चाहिए और किस वजह से जाना चाहिए, यह भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।